बिस्तर के पास मतलब भागा, और पता है क्या देखते हैं, कुछ और। हेलो गाइस, मेरा नाम है सौरभ और आप देख रहे हो एस के एम वाटी चैनल। मैंने एक 1.5 महीना से मैंने वीडियो अपलोड नहीं किया। आप लोग बोल रहे थे वीडियो अपलोड करो, वीडियो अपलोड करो। मैंने बोला चलो वीडियो अपलोड करते हैं, मैंने क्या करूँ, बोलोग अब कहीं घूमने भी नहीं जाता, इतना तबीयत ख़राब मेरा है, मतलब क्या बताऊँ। उसके बाद आप सब ने डिमांड किया हॉरर वीडियो लाओ, हॉरर वीडियो लाओ, हॉरर स्टोरी लाओ, ये लाओ। मैंने कहा यार ब्लॉग बनाता हूँ, ये हीरो स्टोरी कहाँ से लाऊँ। मैंने यार जो अपने साथ मतलब घटा है वो मैं आप सबको एक्सप्लेन कर दूँ, ये वगैरह तब क्या बोलूँ। मतलब ये मेरे साथ बहुत सारा घटना मतलब घटा है, मतलब ऐसा मतलब हॉरर स्टोरी हुआ है, पर मैं खुद का आज नहीं बता रहा हूँ। मतलब आज मेरा एक भाई है, मतलब बड़े पापा का मतलब बेटे हैं वो, मतलब उसका नाम कुछ भी रख देते हैं, मतलब ऐसे पब्लिक की मतलब नाम नहीं लेना चाहिए, क्या उसको क्या चलेगा, एक पब्लिक नाम रख देते, कुछ भी नाम रख देते उसका, मतलब भाई मतलब समझो मेरा मतलब भाई जो बड़े मेरा बड़े पापा के मतलब बेटे हैं वो। उसके बाद ये मतलब घटना घटी थी, उसने मुझे खुद बताया मुझे ये घटना घटा है, तो मैं आज तय करता हूँ कि हाँ कैसा रहेगा। अगर इस पर अच्छा खासा मतलब रीज मिला मतलब देखते हैं इस, यही हॉरर स्टोरी आप सब इतना डिमांड कर रहे थे। तो भैया का बस नॉर्मल मतलब स्टोरी है, मतलब मुझे लगा कि हाँ बताने लायक है, तो मैंने इसलिए मैंने भैया का मैंने स्टोरी बोला कि नहीं भैया का स्टोरी पब्लिक करना पड़ेगा। मतलब स्टोरी ऐसा मतलब शुरू करता हूँ, मतलब शुरू से मेरा भाई का स्टोरी मतलब ये था, मतलब 2014-13 की बात है। उसने 10th का एग्ज़ाम दिया, मतलब 10th वगैरह का एग्ज़ाम दिया, तो एक वो होता है कि हाँ मतलब वो बाहर जाएगा मतलब पढ़ने उड़ने के लिए, जब 12th में जाते हैं तो मतलब बिहार में ऐसा है कि बिहार में आप समझ सकते हो पर जाएंगे मतलब इधर पढ़ने उड़ने के, मतलब बोला गांव से थोड़ा दूर जाएंगे, बिहार वगैरह दिख गया या मतलब ऐसे ही दूर गया, तो उसका वो हुआ मतलब वहाँ पढ़ने चले गया। तो मतलब ऐसे ही पढ़ रहा था, उसके बाद 1 महीना बाद वो लौट के आ गया, पता नहीं उसके माइंड में क्या हुआ नहीं हुआ, वो लौट के आ गया गाँव आ गया मतलब घर पे। उसका घर पे आने के बाद ऐसा हुआ कि मतलब वो डेली मतलब मेरा घर से मतलब थोड़ा दूर के पास एक मतलब कुआं टाइप का है, मतलब कुआं नहीं बोल सकते उसको, मतलब सीढ़ी घाट मतलब आप समझ गए, सीढ़ी घाट जो होता है मतलब वहाँ पे अक्सर घूमने उमने जाते हैं, मतलब हवा हुआ एकदम मस्त चलता है, एकदम घर से वहाँ पे घूमने के लिए जा सकते हैं हम लोग। तो उसके पास उसका जो वो स्टोरी मतलब घटने का शुरू हुआ, मतलब वहाँ से उसका पीछा लग गया, जो थी मतलब लेडीज़ मतलब जो ये थी मतलब उसका पीछा जो लगा हुआ था, तो वो थी उस वक्त से उसका पीछा लग गया। तो उसका वो सीन ये होने लगा, मतलब रात में मतलब जगने लगा, अचानक से रात में उठने लगा, उसके बाद मतलब ऐसा ऐसा सीन हो रहा था। तो उसको मतलब ये पता भी नहीं था, मतलब फैमिली को पता नहीं था, रात को जग के मतलब वो जो लेडी थी उसके साथ जाता था। मतलब ये नहीं कि हाँ सपना में क्या उठ गया मतलब ऐसा वैसा हुआ नहीं, वो मतलब डेली रात में मतलब 1-2 बजे लमसम में उठता था, गेट खोलता था, साथ में जाता था उसका। मतलब वो ऐसा बताया मतलब उसके साथ जो जाते थे हम इतना तक आता है, पहले बुलाता था चलो हम जाते हैं घूमने के लिए, और नहीं ये बात है कि वो ना भाई को थोड़ा सा मतलब हाँ मतलब नुकसान नहीं पहुँचाए, मतलब ऐसा उसका नहीं था। मतलब जैसे गेट के पास गए, हाथ पकड़ा, हाथ पकड़ने के बाद थोड़ा सा आगे गए, फिर थोड़ा सा और ज़्यादा हाथ मतलब मजबूत पकड़ा, आगे पूरा पकड़ लिया, साथ में गए, वहाँ जाता था, पता नहीं वहाँ पे बैठता था कितना, 1-2 घंटा बैठ के एकदम आराम से बात कर रहा है, भाई को पता भी नहीं किससे बात कर रहे हैं, कहाँ है ये, बस वो घर से निकलता था माइंड ऑफ क्या हम कहाँ गए कैसे लग गया हमको, उसको वो भी पता नहीं, मतलब थोड़ा थोड़ा पता है कि हाँ हमको वो डर लग रहा था, ये लग रहा था, मतलब जो साइड से निगेटिव एनर्जी निकलेगा तो डर लगेगा ही, तो मतलब वो साथ में जा रहा था, वो क्या पता क्या बोलता था, कोई नहीं हम है ना हम सब देख लेंगे, वो लेडी बोल रही थी भाई को, मतलब साथ में लेगी तो ऐसा बोलेगी। तो मतलब ऐसा चलता रहा चलता, वहाँ जाता था बैठता था, उसके यहाँ पे कंधे पे यहाँ पे सर रख के
बोलती थी उसको, ये आदमी क्या मतलब, वो मतलब घूंघट से यहाँ पे मतलब ढका हुई रहती थी यहाँ पे इतना दूर तक, मतलब उसका फेस नहीं देख पाया आदमी, मतलब फेस वगैरह तो उसको याद नहीं है कि हाँ ये कैसा मतलब क्या है, मतलब कौन थी नहीं थी, फेस नहीं याद है। तो फिर उसने मुझे ये बोला, फिर उसने मतलब वही पढ़ने के लिए मतलब बाहर गया, आया था बिहार। पढ़ने के लिए वो तो भागलपुर गया, तो वहाँ से मतलब उसको क्या माइंड में हो रहा था क्या नहीं हो रहा था, 2 दिन में 3 दिन में रिटर्न आ जाता था। उसके पापा 5,000 6,000 10,000 दे देते, तुरंत ख़त्म करके रिटर्न घर आ जाते थे। अब मतलब उसका ये हो गया था, हमको जाना है घर, जाना ही जाना है, जाना ही जाना है। मतलब अब जैसे घर में आया कोई बोलता था तुम क्यों आता है बार बार, तुम पढ़ना लिखता क्यों नहीं है, मतलब अब जब बोलेंगे फैमिली बोलते थे उसको गुस्सा आ जाता था, पता नहीं मतलब सबको डांट के बोलता था हमको नहीं जाना, ये करना वो करना है उसको। लेडी मतलब कोई बोलता था ना उस पर गुस्सा आ जाता था कि हाँ तो उसको क्यों बोल रहा है तुम जाने के लिए, मतलब ऐसा क्यों। तो ऐसा ही चलते रहा। तो एक दिन मतलब खाना वाना खा रहे थे भैया वगैरह, तो फैमिली टोटल जुटी हुई थी, तो उसका भैया का एक सीन हुआ उस दिन, तो मम्मी में एक एक करके बोल रहे थे, तो मतलब ऐसा हो गया उस दिन। उसके मम्मी लोग सारे मतलब भाई के मम्मी लोग में बड़ी मी वगैरह सब कोई बैठे हुए थे खाने के लिए, बैठे उसको बोलने लगे। वो धीरे खाते 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 नीचे झुक गया, मतलब खा रहा है चुप है एकदम, कुछ नहीं बोल रहा है, सुन के और सोने चले गए। सोने जब गया फैमिली को पता चल गया हाँ ये मतलब ऐसा इसका क्या सीन हुआ, नहीं हुआ उसको मतलब दिखाएंगे क्या करेंगे, मतलब ऐसा सीन हुआ। तो वो मतलब ऐसा रहने लगा, तो रात में सोआ वो भैया बोले, मतलब सो रहे थे, अचानक से नींद टूटा। नींद जो टूटी भैया का, वो गए थे मतलब 12 पे, मतलब घर स्ट्रक्चर मतलब समझा था उसका, मतलब हमारे घर के मतलब साइड में एकदम बांस का जो होता है ना गाछ वगैरह, मतलब बड़ा सा एकदम फैला हुआ वो है, मतलब था, मतलब अभी नहीं है, अभी दिखा दे, अगर होता तो अभी फुटेज हम डाल देते, अगर अभी नहीं है वो ख़त्म हो गया। वो था एकदम, पूरा डर लगता था, मतलब रात होने शाम होते ही डर लगता था, कोई उधर जाता ही नहीं था, बहुत डर था। साइड में ही मतलब घर के साइड में, मतलब जहाँ पे 12 था वहाँ से साफ साफ दिखता था वो वाला पार्ट। भैया को मतलब अकेले सोए होते, मतलब मेरा दादी जो साथ सोती थी ना, तो ऐसा नहीं हो रहा था, पता नहीं आज उसको मतलब क्या हुआ था, वो अकेले जाके एकदम सो के दूसरे रूम में, उसका नींद टूटा, नींद जो भैया का टूटे। तो वो 12 गए, पानी पिया, गोर मतलब ऐसे गोरू भींचता ही है, गोरू धोआ पानी पी के, जब उधर उधर देखा बस मिट्टी मतलब जो था वो बांस का जो पैर था, धीरे 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 भैया किधर झुकने लगा, एकदम पूरा झुकने लगा, एकदम झुक रहा है वो, झुक रहा है, उसको डर लग गया। अब एकदम भागा एकदम अपना बिस्तर की तरफ जहाँ पे सोया हुआ था। अब सोचो अगर बिस्तर के पास मतलब भागा, और पता है क्या देखता है, खुद सो रहा है वहाँ पे, वो खुद को देख रहा है, मतलब वो सो रहा है पर वो खुद को देख रहा है कि हाँ वो सो रहा है, बस सिट्टी विट्टी कुछ गरज रहा है वो, आवाज़ नहीं आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है। इमेजिन करो वो खुद को सोते हुए देख रहा है, कभी आपने देखा था खुद को सोते हुए एकदम खड़ा होकर एकदम देख रहे हैं हाँ सो रहा है वो, ऐसे एकदम मस्त से मतलब ऐसे करते करते उसको अचानक मतलब नींद खुला, देखा तो सो रहे थे हम, और सो रहा था, और सोचो ये नहीं सब, आप सोचो ये सपना था, लेकिन भैया को पता है क्या, उसका पैर भींगा हुआ था, वो भी नहीं गर्मी का दिन था कि हाँ पैर भींग जाएगा, जो पैर भींगा हुआ था ये सोटे लगा, मतलब पैर भींगा हुआ था भैया का, मतलब वो मम्मी नहीं बुलाई, मतलब कुछ ऐसा लगा, मतलब कुछ है तो मैंने फोन बंद कर दिया, तो पैर भींगा हुआ था भैया, जो उठ के भागे एकदम दादी के पास सोने के लिए, दादी के पास सो गए, 2 दिन तक तबीयत तो उसका मतलब खराब हो गया, मतलब वगैरह वगैरह, फिर पता नहीं क्या अचानक से ठीक हो गया, सोई दवा मतलब दवाई वही चल रहा है एकदम अच्छा से चल रहा है, और तबीयत खराब होते जा रहा है, अच्छा उसको क्या अचानक से ठीक होकर एकदम चल के एकदम खेल रहा है, मतलब खेल नहीं मतलब घूर रहा है फिर रहा है मतलब वगैरह वगैरह। दूसरी रात फिर अकेले चले गया सोने, सोया, फिर उसके बाद मतलब वही जो सीन था कि हाँ वो जाता है मतलब डेली जो घर से जाते थे भैया,
तो फिर से वो गेट खोले बाहर के, मेरे दादा जगा हुआ था, मतलब जगा ही हुए थे, मतलब हल्का नींद में थे, मतलब जगे हुए थे दादा, मतलब देखा गेट खुला हुआ है, दादा जगले रह गए, मतलब सोए भी नहीं, उसको ढूंढने लगे इधर उधर ढूंढने लगे, मतलब 3 लमसम 3 बजे, 3 साढ़े 3 बजे लौट के आ रहे हैं उधर से, एकदम सीधा एकदम लौट के आ रहे हैं, एकदम स्ट्रेट आ रहे हैं गेट के पास आके, इधर उधर मतलब गेट के पास, दादा मतलब उसको टोका, कहाँ गया था, क्या कर रहा था, अचानक मतलब इधर उधर देखने लगा, मैं कहाँ हूँ नहीं हूँ वगैरह वगैरह, फिर उसको पूछने लगा तू कहाँ जाता है डेली डेली करके, वो करके मतलब जान सब समझ गया अब ये है वो है। उसी दिन से फिर भैया को वो गए बाबा वो को दिखाए वगैरह वगैरह, मतलब ऐसा सब, तो उस दिन से मतलब दिखाया उगाया वगैरह वगैरह, मतलब उसका एक था भैया का नुकसान नहीं किया, मतलब कुछ भी नुकसान नहीं, बोला कि हम देख लेंगे जो भी है वो हम देख लेंगे, एक था नहीं भैया का नुकसान नहीं किया, मतलब बाबा वो को दिखाए तो अभी भैया ठीक है, बस स्टोरी हमको बता दिया, मतलब उतना भैया होते तो अभी साथ में स्टोरी बताए, पर वो मतलब गुवाहाटी मतलब वगैरह है तो इसलिए वो स्टोरी नहीं बता रहे। तो ऐसा है कि लाइक कर देना सही लगा हो तो, अगर ऐसा ही स्टोरी वीडियो चाहिए, मतलब देखो मेरे साथ भी मतलब बहुत सारा इतना स्टोरी मतलब घटा मतलब वगैरह वगैरह, तो अगर चाहिए अगर और तो स्टोरी मतलब हॉरर वीडियो मतलब स्टोरी चाहिए रियल स्टोरी तो कर देना कमेंट, बाय, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना।